सो गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। क्या हम लोग सेम टाइटल, सेम डिस्क्रिप्शन और सेम टैग डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में क्या यूज कर सकते हैं? अगर यूज करें तो क्या दिक्कत आने वाला है आगे जाके? तो गाइस आज इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप इस टॉपिक को ऊपर जानकारी लेना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलते। चलिए सीखते। तो गाइस देखिए, सबसे पहले दिक्कत क्या होगा अगर सेम टाइटल, सेम डिस्क्रिप्शन, सेम टैग रहेगा तो दिक्कत क्या होगा? गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर आपका वीडियो डिफरेंट डिफरेंट है तो सेम टैग, सेम डिस्क्रिप्शन, सेम टाइटल डालने का जरूरत ही नहीं है। पहला सवाल का आंसर यही है, जरूरत ही नहीं है। फिर भी अगर डाले तो क्या होगा? सबसे पहले बात है YouTube का जो रूल्स है, अब सेम टॉपिक सेम टाइटल देके तीन से भी ज्यादा वीडियो नहीं बना सकते हो। सबसे पहला बात, ये रूल्स है, कम्युनिटी गाइडलाइंस का रूल्स है, फाइन। उसका बाद अगर आप सेम टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हो तो उसको आप एपिसोड के तौर पर डिवाइड कर दीजिए, जैसे एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, ऐसा करके डिवाइड कर सकते हो, फाइन। ओके, अभी समझते हैं जो टैग। गाइस देखिए टैग कैसा होता है। गाइस देखिए, आप जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हो उसी टॉपिक के ऊपर एक टैग होता है, मतलब वही रिलेटेड कुछ वर्ड होता है जिस वर्ड को सर्च इंजिन पे सर्च होने के बाद आपका वीडियो सामने आते हैं, लोगों का सामने आते हैं, और उसका बाद जाके आपका वीडियो रैंक होता है, आप में जाता है, फाइन। तो गाइस देखिए अभी बात करते हैं। सोचिए आपका सारे वीडियो में सेम टाइटल, सेम डिस्क्रिप्शन, सेम टैग रहेगा तो वह आपका वीडियो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि सेम चीज यूट्यूब प्रमोट नहीं करते। यूट्यूब इसका जो एल्गोरिथम है वो सेम टू सेम कॉपी नहीं लेके जाते, ठीक है। तो यही है इसका रीजन है। आप कोशिश कीजिए आपका वीडियो में टाइटल जैसा है, वीडियो का मटेरियल वैसा ही होना चाहिए, वीडियो का जो टैग डालते हो उसे रिलेटेड होना चाहिए। सेम टैग डालेगा तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस टैग भी मिल सकता है। 100% तो मैं नहीं बोल सकता, जो मिलेगा ही मिलेगा, पर मिल सकता है, फाइन। पर तीन वीडियो का ऊपर अगर जाएगा तो जैसा कम्युनिटी गाइडलाइंस टैग में लिखा हुआ है, रूल्स है, उसी हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तीन से भी ज्यादा वीडियो ये लोग अलाउ नहीं करते। और डिस्क्रिप्शन का बाद अगर बताया जाए तो मैं आपको बता दूं, आपका बेसिक जो इन्फॉर्मेशन रहता है आपका बारे वो तो सेम रहेगा, पर आप जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हो सकता है उस टॉपिक का बारे आप कुछ नीचे लिख दे, उससे क्या होगा ना, वीडियो का क्वालिटी और भी ज्यादा हो जाएगा, आपका जो ऑडियंस रहेगा वो भी देख के खुश हो जाएगा, उसको भी कुछ नॉलेज गेन हो सकता है। जैसा मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसका एक टाइटल होगा, इस टाइटल को पढ़ने के बाद आप लोग इस वीडियो को क्लिक किया है, इस वीडियो का अंदर आपको क्या क्या मटेरियल मिल सकते हैं। तो गाइस सेम टू सेम इस टॉपिक को ऊपर मैंने सर्च किया है, जो इसका टैगलाइन क्या है हो सकता है, मतलब कौन सा व्हाट सर्च किया जा रहा है, ऐसा वीडियो देखने के लिए मैं सेम टू सेम काम किया है, और उसके बाद जाके शायद ये वीडियो आप देख पा रहे हो, फाइन। तो यही है, आप कोशिश कीजिए आपका हर एक वीडियो का टाइटल जैसा अलग होता है। सोचिए अगर आपका टाइटल अलग है तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखिए, उसके बाद टैग में भी उसी रिलेटेड कुछ ना कुछ आप डालिए जो सर्च इंजन में अभी भी अवेलेबल है, फाइन। अभी आपका मन में और एक सवाल भी चल रहा होगा, जो सही टैग कहाँ से ढूंढ के लेके आए, मतलब वीडियो वायरल करने के लिए या वीडियो में ज़्यादा व्यूज लाने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ इसका बारे भी मैंने वीडियो बना के रखा है ऑलरेडी, तो मेरा वीडियो सेक्शन में जाइए, इस चैनल का वीडियो सेक्शन में जाइए, जाके वो वीडियो भी आप वॉच कर सकते हो। आइए, आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिला होगा, तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि जब भी मैं न्यू कुछ वीडियो अपलोड करूंगा तो तुरंत आपका पास चला जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।